7 Trending Skills for Post-COVID Tech Jobs. COVID-19 has had a huge impact on career growth of workers and job seekers in tech industries. Many have seen their salaries cut and opportunity for bonuses slashed. Some have even lost their job. टेक इंडस्ट्रीज में बहुत लोगों ने अपनी जॉब को खोया, कुछ लोगों ने आधे पैसे पे काम किया और कुछ लोगों को बोनस भी नहीं मिला. Because of these changes, many in the world of techs are looking for way to reinvent themselves. अब उनको ये ज़रूरत है कि कुछ ऐसी नई स्किल वो एक्वायर करें जिससे कि उनको फिर से जॉब मिल सके. They are looking to learn a skill that will put them ahead when it's time for a new job. अब उनको ऐसी कोई स्किल एक्वायर करना पड़ेगा कि उनको नई जॉब मिल जाए. तो हम आपको 7 ऐसी स्किल बताने वाले हैं कि आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो पोस्ट कोविड के बाद आपको जॉब मिल सकती है. जिसमें से 7 ट्रेंडिंग स्किल फॉर पोस्ट कोविड टेक जॉब्स. फर्स्ट इज़ पाइथन है जो सबसे अधिक डिमांड में. तो साइबर सिक्योरिटी हो क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत हो रही है. अमेजॉन वेब सर्विस है, डॉकर है, एपीआई है, एंसिबल है, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट है, जो हम एक एक करके आपको अभी बताएंगे. पहली है पाइथन. पाइथन इज इन डिमांड. आर यू रेडी फॉर इट? इफ यू आर रेडी यू कैन एक्वायर दिस स्किल टू गेट द जॉब. इफ यू हैव टू चूज जस्ट वन न्यू कोडिंग लैंग्वेज टू लर्न दिस ईयर, पाइथन शुड बी इट. अगर आपको कोई नई लैंग्वेज इस साल यूज़ करनी है तो पाइथन है. अकॉर्डिंग टू डेटा ब्रिज मार्केट रिसर्च, द मार्केट फॉर पाइथन विल बी ग्रो मोर देन 21% बिटवीन 2020 एंड 2027. 220 से लेकर 227 के बीच में पाइथन की ग्रोथ डेटा ब्रिज मार्केट रिसर्च के हिसाब से 21% है. सो अगर आप इस स्किल को एक्वायर कर लेते हो तो आप बहुत आगे जाओगे. पाइथन इज अ रिलेटिवली सिंपल कोडिंग लैंग्वेज टू लर्न एंड वर्क विद मैनी एप्लीकेशंस. इवन बेसिक पाइथन नॉलेज विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. पाइथन की अगर बेसिक नॉलेज भी है तो आप क्राउड से थोड़ा डिफरेंट खड़े हैं. और आप अगर सी लैंग्वेज जानते हैं तो आप बहुत ईजिली पाइथन को लर्न कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोडिंग बहुत इजी होती है. और जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में 1.5 लाइन लिखते हैं आप, वो पाइथन में बहुत कम लाइन में आप कर सकते हैं. सेकेंड स्किल है टू साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि आजकल हैकिंग बहुत हो रही है, चोरी बहुत हो रही है ऑनलाइन. हैकर्स लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और साइबर क्राइम कर रहे हैं. वो लोग हैकिंग करके लोगों का पैसा निकाल लेते हैं. तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख लेते हैं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और ये बहुत डिमांड में है. सिंस मैनी कंपनीज आर स्टार्टिंग टू डिमांड मोर व्हेन इट्स कम टू क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स, देयर एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑन साइबर सिक्योरिटी. लोग ज़्यादातर अब क्या करते हैं, कंप्यूटर नहीं रखते हैं, वो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं. उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल नहीं, अगर आपको उसकी स्किल आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से डिमांड में आ सकते हैं और आप काम कर सकते हैं. कंपनीज हैव अ लॉट ऑफ डेटा स्प्रेड आउट थ्रू डिफरेंट नेटवर्क. एक कंपनी का डेटा एक नेटवर्क पे नहीं तो डिफरेंट नेटवर्क पे फैला होता है. एंड हैकर्स आर ईजिली अटेम्प्टिंग टू ब्रीच दीज नेटवर्क. और हैकर के लिए बहुत ईजी होता है कि वो इस नेटवर्क को ब्रीच कर लें. Someone with the right cyber security skill and knowledge will be able to prevent different types of cyber crime and be in the high demand. अगर आप अच्छी स्किल है साइबर सिक्योरिटी की तो आप लोगों को डिफरेंट साइबर क्राइम से बचा सकते हैं और आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी. With the global cyber security market estimated to grow 10% from 2020 to 2027. और ऐसा माना जाता है कि 10% तक इस स्किल की ग्रोथ 2027 तक हो जाएगी. तो आपकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी. थर्ड आता है अमेजॉन वेब सर्विस. आप ऐसा जैसा आप जानते हैं अमेजॉन बहुत अधिक डिमांड में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए. Amazon Web Services is a platform that Amazon provides to companies to ensure that they have cost-effective and easy-to-access cloud service when the company can't host their own. अगर आप अपने वेबसाइट नहीं बना सकते तो वो Amazon जो होती है आपको कॉस्ट इफेक्टिव और इजी टू एक्सेस क्लाउड सर्विस देती है जो आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं. वाइल कंपनीज नो दैट दे कैन यूज Amazon Web Service, they may not know how to utilize it well. As a result, they need qualified individuals who know how to navigate the system and can keep their data safe. बहुत से लोग उसको acquire तो कर लेते हैं लेकिन उसको use करना नहीं जानते हैं. तो अगर आपके पास स्किल है Amazon Web Service को ऑपरेट करने की तो बहुत से लोग आपको काम करने के लिए डिमांड में बुलाएंगे आपको उसकी नेविगेशन के लिए. फोर्थ इज अ डॉकर. डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स कंपनीज बिल्ड डिज़ाइन एंड रन एप्लीकेशन थ्रू कंटेनर. अब ऐसे डिज़ाइन बनाइए जो रन एप्लीकेशन थ्रू कंटेनर्स के थ्रू एप्लीकेशन को रन करती है. These containers are can keep everything in one place and streamline the whole process. जो सारी चीज़ें एक जगह रखता है और अपने सारे प्रोसेस को करता है. द ग्लोबल मार्केट साइज ऑफ डॉकर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय मोर देन 400% बाय 2024. तो अगर आप डॉकर का काम करते हैं तो वो 400% तक इसकी डिमांड बढ़ सकती है. दिस इज द ह्यूज राइज एंड मेनी कंपनीज नीड समवन विद द राइट टेक स्किल टू प्रॉपरली यूज दिस सिस्टम फॉर देयर बेनिफिट. तो इसको यूज़ करके लोग अपने सिस्टम को बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं. फिफ्थ इज API, ओपन सोर्स API टेस्टिंग टूल. API जो है यूज़ करके एन API और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल एंड डेफिनेशन दैट हेल्प बिल्ड अप एंड इंटीग्रेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऐसा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होकर काम करता है. API provides a connection between one service of the product and let it communicate with the others. जो ऐसी सर्विस के साथ कनेक्शन करता है जो लोगों को आपस में बात करने का प्रोडक्ट के लिए फैसिलिटी देता है. Many companies like to use API to help manage their existing design with new tools and products. It estimated that the global telecom API market will grow 22% annually until 2027. और अगर आपने API की मदद से काम करना API की स्किल को एक्वायर कर लिया तो इसकी ग्रोथ 2027 तक 22% बढ़ जाएगी जो आपके लिए बहुत अच्छी है जिससे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी. 3 स्किल डेवलपमेंट नीड फॉर API ड्रिवन वर्क. इसके लिए आपको 3 स्किल आनी चाहिए. डिज़ाइन फॉर इंक्रीजिंगली कनेक्टेड वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, लर्न द लिंगो, बी फ्लुएंट इन मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म. सबसे पहला तो है आपको वर्ड से कनेक्ट डिज़ाइन ऐसा बनाना है कि वर्ड से कनेक्ट हो सकती है. दूसरा एडवांटेज है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को आप समझिए. और तीसरा है कि आपको मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए API के लिए. Ansible इज द प्लेटफॉर्म इन विच द ऑटोमेशन टूल दैट कैन हेल्प विद एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, क्लाउड प्रोविजनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टास्क. अब इसमें तो बहुत से काम आपको आने चाहिए. एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, क्लाउड प्रोविजनिंग आनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आना चाहिए. इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टास्क. जो कठिन काम होता है उसको छोटा सिंपल कर देता है. हेल्पिंग डेवलपर मैनेज देयर वर्क इजियर. इन सम केसेस Ansible इज अ गुड टूल टू हेल्प विद IT orchestration, which means that it will allow you to run tasks in sequence and then create a chain of event that slow up on different device and server. और ये आपको एक chain में एक sequence में काम करना सिखाता है. Top features of Ansible skills are configuration management, application deployment, or orchestration, security and compliance, cloud provisioning, Microsoft Azure DevOps solution, AWS certified DevOps engineer professional, Google professional cloud DevOps engineer. अब ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ है जिसको जब आप ये सीखिएगा तो जहाँ से सीखिएगा वो आपको समझाएगा। जहाँ 7th है जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। अब जावा के बाद जावा स्क्रिप्ट इसलिए आया कि वो कम में ज़्यादा काम करता है। अब इसके लिए इन एडिशन टू पाइथन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट आर एक्सलेंट कोडिंग लैंग्वेज टू लर्न। जावा इज़ अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हेल्प्स with the fraud detection, prevents cyber attack, and is used for network security. It offers the robust framework and great tools for developing mobile apps. अब जावा तो बहुत ही अधिक अभी भी डिमांड में है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये साइबर अटैक और फ्रॉड से बचाता है क्योंकि यह पहले डेवलप करना सिखाता है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता है और नेटवर्क सिक्योरिटी देता है। इट्स ऑफर रोबस्ट फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बहुत अच्छा देता है और मोबाइल के ऐप्स के डेवलपमेंट को करता है। मीनवाइल जावास्क्रिप्ट इज़ अ गुड ऑप्शन टू लर्न फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट। इट पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू ऐड अ कॉम्प्लेक्स फीचर इनटू अ वेबसाइट। बहुत कठिन कोई फीचर्स होता है उसको ऐड करना होता है वेबसाइट में तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है और मेरे लिए जावास्क्रिप्ट जो होता है वो वेबसाइट क्रिएशन के लिए होता है। सो फाइनली नोट इज कोविड-19 चेंज अ लॉट अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज रन एंड व्हाट कस्टमर एक्सपेक्टेड फ्रॉम बिजनेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड इफ यू आर लुकिंग टू शार्पन योर स्किल एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी एज थिंग्स ओपन बैक अप। The learning some of the skill above will help you to out immensely. The more of these skills you know, the more valuable you will be to employer. अगर आप इन सातों स्किल में से कोई भी एक स्किल सीख लेते हैं तो आप डिमांड में होंगे और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, बशर्ते कि आप वो अच्छे से सीखें। So this is all today, viewers. Please, if you like this video, run, share and subscribe my YouTube channel Ratan Agrawal IT Informer. Follow my all social media link given in the description and join my Telegram channel. Thank you viewers. If you like it, please share and